दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाल ही में रिलीज हुई है कांतरा, और कांतरा रिलीज होने के बाद सच बताओ तो बॉलीवुड और हॉलीवुड पूरी तरह से हिल चुकी है, क्योंकि कांतरा एक लो बजट की फिल्म होने के बावजूद भी लोगों के दिलों में यह जबरदस्त राज कर रही है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि कांतरा आज तक की सबसे हिट मूवी मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे मूवीज के बारे में जो कि कांतरा की बराबरी तो नहीं कर सकती है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ये सभी मूवीज कांतरा से कुछ कम भी नहीं है। इनकी स्टोरी वन ऑफ द बेस्ट है, इवन इनके कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा डिफरेंट और यूनिक बनाई गई है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज हैं आज के हमारे इस काउंटडाउन में। नंबर 7, गरुड़ा गमना विरवन वाहना। मूवी बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। मूवी के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट मूवी के कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लगने वाली है। मूवी के कॉन्सेप्ट यूँ तो शुरू होती है एक लोकल गुंडे और एक छोटी सी दुश्मनी से, लेकिन ये दुश्मनी एक्चुअल में दो लोगों की पूरी तरह से किस्मत बदल देती है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि हरी और शिवा जो कि एक्चुअल में दोस्त हैं, लेकिन ये दोनों ही दोस्त अपने गांव में हो रहे क्राइम और क्रिमिनल्स को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं। और लास्ट तक इनकी दुश्मनी कहां पर जाकर रुकती है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। मूवी को चाहे तो आप देख सकते हैं Z5 पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.5। नंबर 6, पाका रिवर ऑफ ब्लड। मूवी बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो मूवी के कॉन्सेप्ट शुरू होती है एक छोटे से गांव से, लेकिन इस गांव में चल रही एक पुरानी दुश्मनी के कारण दो परिवार अपने बहुत सारे मेंबर्स खो चुके होते हैं, लेकिन इसी बीच एक नदी जो कि एक्चुअल में इनके दुश्मनी का एक आधार बनती है, यानी कि जितने भी लोग मारे जाते हैं सभी के सभी उस नदी में ही पाए जाते हैं। और असल में इन दोनों परिवारों की दुश्मनी कहां पर जाकर खत्म होती है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। मूवी की स्टोरी आपको बहुत ही ज्यादा सिंपल लगने वाली है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, मूवी की प्रेजेंटेशन आपको सच में ऑसम लगने वाली है। मूवी को चाहे तो आप देख सकते हैं सोनी लिप पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.4। नंबर 5, अजगा जंतरम। मूवी बेस्ड है एक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो मूवी के कॉन्सेप्ट शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां पर एक पुरानी प्रथा चली आ रही होती है, लेकिन अचानक से ही कुछ लोग उस प्रथा को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहते हैं, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि उस प्रथा को चालू रखना चाहते हैं, और लास्ट तक इन दोनों की दुश्मनी में जीत किसकी होती है यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे मूवी में। मूवी को चाहे तो आप देख सकते हैं सोनी लिप पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.7। नंबर 4, कर्णा। मूवी बेस्ड है क्राइम एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से, जहां पर एक लड़का जो कि एक्चुअल में गुनहगार ना होने के बावजूद भी पुलिस उसे पकड़ के ले जाती है और उसे गुनहगार ठहरा देती है, लेकिन लास्ट तक वो अपने आप को किस तरह बेकसूर साबित करता है। और दूसरी तरफ इस गाँव में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि एक्चुअल में मॉडर्न पीपल्स किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और उस चीज को भी इस पूरे मूवी में बखूबी दिखाने की कोशिश की गई है। मूवी के कॉन्सेप्ट आपको बीच बीच में हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूज जरूर कर दे, लेकिन कंप्लीट मूवी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रूप से प्रेजेंट की गई है। मूवी को चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon Prime Video पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8। नंबर 3, जालीकट्टू। मूवी बेस्ड है एक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो मूवी के कॉन्सेप्ट एक्चुअली शुरू होती है ऐसे गांव से, जहां पर एक्चुअल में कुछ लोग नए बस रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर भी लोगों का शिकार कर रहे होते हैं, लेकिन जंगली जानवर के नाम पर कुछ इंसान लोगों को मार रहे होते हैं, और असल में ये लोग कौन हैं और इन लोगों को लास्ट में सजा मिलती है या फिर नहीं मिलती है, यही सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी को चाहे तो देख सकते हैं Amazon Prime Video पर, और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.3। नंबर 2, पुष्पा द राइज। मूवी बेस्ड है एक्शन एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो मूवी की कॉन्सेप्ट शुरू होती है चंदन की तस्करी से, जिसे कुछ लोग अंजाम दे रहे होते हैं, लेकिन पुलिस इनके काम को किसी भी तरह से रोकना चाहती है, लेकिन ये क्रिमिनल्स एक्चुअल में चंदन की तस्करी किसी भी तरह से रोकना नहीं चाहते हैं, और लास्ट तक ये सभी क्रिमिनल्स एक्चुअल में पुलिस के हाथों पकड़े जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं, यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी को चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon Prime Video पर, और इसे IMDb देती है 10 में 7.6। और लास्ट और नंबर 1 पर हम बात करेंगे जय भीम। मूवी बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट मूवी एक्चुअल में एक सच्ची घटना पर आधारित है। मूवी की कॉन्सेप्ट शुरू होती है कुछ ऐसे पुअर ट्रैवल मैन से, जो कि बेकसूर होने के बावजूद भी उन पर चोरी का इल्जाम डाल दिया जाता है, लेकिन इसी बीच एक ऐसा लॉयर जो कि किसी भी तरह से इन ट्रैवल्स को बेकसूर साबित करना चाहता है, और लास्ट तक ये लॉयर उन सभी लोगों को किस तरह बेकसूर साबित करता है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी
की कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। मूवी रिलीज की गई है Amazon पर वीडियो पर, IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.9। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिन्हें भी वेब सीरीज रिव्यू या फिर मूवी रिव्यू में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, वो प्लीज मेरे नए चैनल बापू निम जी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल में जाने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।